सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिसेस। लीनियर इक्वेशंस सबसे पहले होती क्या है कि लीनियर इक्वेशंस वो हैं कि जिनमें हाईएस्ट पावर वन हो। फॉर एग्जांपल यू कैन सी कि आप इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखें तो इसमें हाईएस्ट पावर इज वन। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स की पावर भी वन है, वाई की भी वन है, जेड की भी वन है, और इसमें अगर आप कोफिशिएंट कोई भी कंसिडर करें तो इसकी पावर जीरो होगी किसी भी कोफिशिएंट की। लेट्स से अगर एक्स भी है, वाई है, जेड है, ए बी सी कोई भी पावर है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशंस के अंदर हाईएस्ट पावर वन होती है और नॉन लीनियर इक्वेशंस के अंदर अदर देन वन होती है। सो दिस टू शोज कि इट इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन और नॉन लीनियर इक्वेशंस की पावर आपको। तो हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस को आप मैट्रिसेस के जरिए किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कोई भी आपके पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स वन एंड एक्स टू और बाकी इनके साथ कोफिशिएंट्स हैं, तो आप इनकी मैट्रिसेस किस फॉर्म में रख सकते हैं कि आप एक्स वन के जो कोफिशिएंट्स हैं उसको आप फर्स्ट कॉलम में लिखें, एक्स टू के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आप सेकेंड कॉलम में लिखें, देन जो भी कोफिशिएंट्स हैं उनको आपने अलग मैट्रिक्स में थर्ड कॉलम में, और इक्वल्स टू के बाद जो भी इनका रिजल्ट है उनको आपने इसके बाद कोफिशिएंट्स में लिखना है। अब आप अगर इन मैट्रिसेस को नाम दे दें तो इस मैट्रिक्स को आप ए कह सकते हैं, सेकंड को एक्स एंड थर्ड को बी। अब आप इसमें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दी इनवर्स मेथड। सो हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अब आप देखें तो दो आपके पास लीनियर इक्वेशंस हैं। अब आपने इसको सबसे पहले अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद लेट मी राइट ओवर हियर। सबसे पहले अब आपने इन इक्वेशंस को अरेंज करना है, तो अरेंज किस तरह होगा, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 3। सिमिलरली माइनस 7x माइनस 7x, या आप इसको अगर 8y को दूसरी साइड पे लेके जाना चाह रहे हैं तो यू कैन से प्लस 7x माइनस 8y इक्वल्स टू माइनस 2। सो जब आप इनका मैट्रिक्स बनाना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने दोनों इक्वेशंस के x के कोफिशिएंट लिख लिए, देन सेकंड कॉलम में आपने दोनों इक्वेशंस के y के कोफिशिएंट लिख लिए माइनस 2 एंड माइनस 8, देन थर्ड कॉलम में आपने अननोन वेरिएबल्स लिख लिए और इक्वल्स टू के बाद आपने इसको आपने एज इट इज कॉलम में ही लिख लिया। सो ये इट इज द फर्स्ट वे। इट इज द सेकंड स्टेप टू नोट डाउन द एक्सप्रेशन इन द मैट्रिसेस फॉर्म। द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। देन द थर्ड स्टेप इज यू हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स। द रीजन इज अगर आपने लास्ट इक्वेशन देखी हो तो लास्ट इक्वेशन वॉज लाइक दिस, ए एक्स इक्वल्स टू बी। सो अगर आपने एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, बी ए इनवर्स। सो जो आपका 2x2 मैट्रिक्स था उसका आपने इनवर्स फाइंड करना है। तो द थर्ड वे इज यू कैन फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करें एंड देन उसको मल्टीप्लाई कर दें विद द मैट्रिक्स बी। ये देखें ये बी मैट्रिक्स जो इक्वल्स टू के दूसरी तरफ मैट्रिक्स थी उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं कि एक्स और वाई, एक्स इक्वल्स टू 14 एंड वाई इक्वल्स टू। नाउ नोट वन थिंग दैट इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए हैज एन इनवर्स। पहली बात ये ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है फिर डिटरमिनेंट जीरो है, और डिटरमिनेंट जीरो का मतलब इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इनवर्स इज डिफाइंड फॉर स्क्वेयर में। ये भी ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि इनवर्स सिर्फ स्क्वेयर मैट्रिसेस का पॉसिबल है बिकॉज आप डिटरमिनेंट और एडजॉइंट फाइंड आउट कर ही नहीं सकते अगर स्क्वेयर मैट्रिक्स नहीं है। एंड द सी पार्ट इज इफ अ स्क्वेयर, अगर आप स्क्वेयर इनवर्स को उसके मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें ये आंसर विल बी दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, जिसमें डायगनल एलिमेंट्स पे वन होगा। और ऑलरेडी हम इसको डिटेल में लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अगर आपने लिंक वीडियो लेसन मिस किया है तो यू कैन सी द लिंक
in the description. So उसके बाद we will solve exercise 2.1. 2.1 में first question तो बहुत ही simple सा है, जिसमें आपने addition करनी है and then multiplication करनी है, जिसको हम already डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. और अगर उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में देखें तो ये इक्वल मैट्रिक्स है. इक्वल मैट्रिक्स मीन, अब आप फॉर एग्जांपल मैं एक सॉल्व कर देता हूँ 4x, इसका क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या, एलिमेंट क्या है 2x. सो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी अगर ये इक्वल मैट्रिक्स है. तो ये हमने लेसन 1 में डिस्कस किया था कि इक्वल मैट्रिसेस में क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होंगे. सो इट मींस इक्वल होंगे. सो 4x 4x माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 3, और यू कैन से हियर दैट x विल बी इक्वल्स टू माइनस 3/2. सो सिमिलरली आप y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं. अब इस क्वेश्चन के अंदर यू हैव टू ऐड देम. एडिशन को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. एंड देन ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है. ट्रांसपोज मींस यू हैव टू चेंज रोज इनटू कॉलम. मैं आपको फॉर एग्जांपल बी ट्रांसपोज अगर फाइंड आउट करना चाहूं, सो बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू, अब फर्स्ट रो को कॉलम में लिख लें सिंपली, माइनस 1 एंड 2, देन 3, 1, 2 and 5, then 0, -2, 1 and 6. सो अब आप देखें जब आप रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में लिखते हैं तो इसको आप ट्रांसपोज कहते हैं. सो द नेक्स्ट थिंग इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. ये भी हम ऑलरेडी डिटेल लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. आप उसको विजिट कर सकते हैं लास्ट क्लास को, और आप इसको फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं. एंड इफ यू हैव मिस्ड अ लेसन यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. आपने अगर कोई भी लेसन मिस किया है तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं. सो इसके बाद अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई. अब हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करें साइमल्टेनियसली, 4x माइनस 3y 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 19, 5y इक्वल्स टू 19. तो अब आप देखें तो फर्स्ट कॉलम में हमने एक्स के कोएफिशिएंट लिखे जो कि 4 एंड 2, सेकेंड कॉलम में हमने y के कोएफिशिएंट्स लिखे, और थर्ड कॉलम उसके बाद हमने x अननोन वेरिएबल्स एंड देन इक्वल्स टू के बाद जो भी था वो हमने यहाँ लिखा. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स. अब सेकेंड में भी अगर आप देखें तो मैट्रिसेस की फॉर्म में आप किस तरह लिख सकते हैं, यू कैन सी इट हियर. अब अगर इसको रीअरेंज करें तो आप दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं. इसका इनवर्स फाइंड आउट करें अगर 4 2 क्रॉस 2 में, बिकॉज आपने इसको इस साइड भी शिफ्ट किया है तो अब ये इन्वर्स हो चुका है. और अब इन्वर्स आप फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे. इन्वर्स और मल्टीप्लिकेशन दोनों हम डिटेल में डिस्कस कर चुके. सो एट द एंड ऑफ ईच लेसन ईच वीडियो यू मस्ट आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ दैट व्हाट यू हैव लर्न टूडे. टूडे वी हैव डिस्कस द सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाई यूजिंग मैट्रिसेस. And then we have solved exercise 2.1. So hopefully you have enjoyed the lesson. And if you have missed the lesson, and if you have any question, you can ask it in the comment section. And if you have missed any lesson, you can see the link in the description. And if you have liked the video, then please subscribe my channel and press the bell icon. Otherwise, please do share the feedback in the comment section. Aapki koi bhi query ho, koi bhi question ho, you can ask it in the comment section. So, thank you.